चलो नेक्स्ट देखो, कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स व्हेन द बॉल रीचेस द बॉटम ऑफ द ग्रुप, बॉल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आएगा, ठीक है, बॉल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आएगा, उस वक्त मुझे इस वेव का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेव का डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब पहले ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, हाउ मच दिस डिस्टेंस, इसकी रेडियस दी हुई है, हाउ मच दिस डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो एक्स एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब यहाँ आया तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के इक्वल है। अब इसको क्या करना है, इसको ले जाके रफ सरफेस पे रख देना, रफ सरफेस पे रख दें तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होता है, तो अगर मैं इसको रफ सरफेस पे रख दिया तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट आता, तो रफ सरफेस पे रखने के बाद, चलो रफ सरफेस पे रख दिए, ये इधर आया, इसका मास एम था, आगे आया ये आर माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन पॉजिटिव, क्योंकि कैपिटल आर अधिक है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो सेंटर ऑफ मास इधर डिस्प्लेस हुआ होगा, तो वेज को इधर डिस्प्लेस होना पड़ेगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज आ जाएगा माइनस स्मॉल एम कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, ये दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक पे आया था, ठीक है, और वो बेसिकली IIT से एडवांस 2017 में आया था, तो आप खुद इसको ट्राई करो और देखो होता है कि नहीं होता। 2017 में आया था JEE, ठीक है, एडवांस में। अब देखो वो क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं होता है, अगर हो जाता है क्वेश्चन तो समझो तुम्हारा और हमारा जो मेहनत है वो सफल है, अगर नहीं होता है तो फिर यार बहुत दिक्कत वाली बात आ जाती, इस टाइप का है। ये जो ये है, ये इसकी रेडियस, इसका सेंटर ओ है, वेज है, और इसकी रेडियस आर है, और एक यहाँ से स्मॉल एम का ब्लॉक रिलीज किया जा रहा है, और एक कैपिटल एम है, ठीक है। अब ये कैसा सरफेस है यार, ये बेसिकली स्मूथ सरफेस पे वेज, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जब ये यहाँ पर आएगा कुछ टाइम बाद ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, तो जब ये कहता है कि जब ये यहाँ से इसको वेज को छोड़ देता है, लीप कर देता है, यहाँ से जंप कर जाता है, उस वक्त वेज का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्स एक्सिस में जीरो है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, तो अगर मैं लगा दूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये यहाँ से जब आगे आएगा तो स्मॉल एम कैपिटल आर और डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल है, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव इधर डिस्प्लेस होगा, तो वेज इधर डिस्प्लेस होगा, तो वेज का डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो माइनस एम आर और अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल होगा, है ना, इजी। तो एक लाइन में फटाक से क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट तगड़े हैं तो, और जो मैं पढ़ाया हूँ दैट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड, और उससे आप एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत आसान से कर सकते हो, तो मन लगा के अपना पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।